आपको किसी ने अब तक बताया कि आप बहुत जल्दी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, आप जल्दी बोल रहे हैं, अच्छा। क्योंकि अब ये बात हम लोग ठीक से समझना चाहते हैं। अच्छा। जब आप कह रहे हैं कि स्टार्टअप्स है, आप एक साधारण किसी पिता को बताना हो या किसी नौजवान को बताना हो, स्टार्टअप का क्या मतलब होता है जी, ये क्या होता है? स्टार्टअप बहुत तरीके का हो सकता है, इसके कोई फिक्स डेफिनेशन में नहीं जा सकते, ये बार बार चेंज भी हो सकता है आने वाले समय में। जब भी कोई आप खुद से आपका कोई आइडिया होता है और उसको लेकर के आप, मैं बोलूँगा कि समाज के किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं, और कोई जैसे अभी जैसे कि मैं एक एग्जांपल मैं पटना से ही दूंगा, एक एक स्टार्टअप जिसका अभी काम कर रहा हूँ, मेडिशाला नाम है, और ये डॉक्टर्स और उसके अपॉइंटमेंट्स को अरेंज करती है। तो अगर आप डॉक्टर्स टू पेशेंट्स का रेशियो खास करके बिहार में देखेंगे, वो आपको दिल्ली तक दिखता है कि बिहार के पेशेंट्स कहाँ तक जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि बिल्कुल से माइंड मेकअप कर लिए हैं कि हमको ये इन बड़े डॉक्टर्स के पास ही जाना है, और तीन तीन महीने का लाइन लगा हुआ है वहाँ पे। और बहुत सारे कुछ आपके प्रॉब्लम्स हैं जो कि नॉर्मल डॉक्टर्स भी देख सकते हैं, और जो नए डॉक्टर्स अभी प्रैक्टिस में आए हैं उनके पास पेशेंट्स नहीं हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि जो, और जब हम रूरल एरिया में बिहार में जाते हैं तो डॉक्टर की और स्कैर्सिटी है। तो ये हमारे ही युवा हैं जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। मेडिशाला ये लोगों को कनेक्ट कर रही है, डॉक्टर्स और पेशेंट्स को कनेक्ट कर रही है और अपॉइंटमेंट्स अरेंज कर रही है। तो ये बहुत, ये भी एक टाइप ऑफ स्टार्टअप है जिसमें कि उन्होंने टेक को यूज़ करके, टेक पे लेवरेज करके, जहाँ पर आपको कोई सेटअप करने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है, ये एक टेक्नोलॉजी है, वेबसाइट है, ऐप है, क्योंकि आज हमारे सबके पास स्मार्टफोन्स बड़ी इजीली अवेलेबल हैं, तो ये प्रोडक्ट सबके पास पहुंच सकता है। तो ये एक डॉक्टर्स की सूची है, उनसे कैसे जुड़ सकते हैं, उसको जोड़ने वाला ऐप है? नहीं, इसमें इसमें है कि आप जाकर के आपका प्रॉब्लम बताते हैं और उसके बाद वो अंदर उसको प्रोसेस करता है और फिर आपको किसी डॉक्टर से कनेक्ट करता है वो। अब चूंकि बात विस्तार से हो रही है, जब ये लोग आपके पास आए तो आपने इनके लिए पैसे जुटाए? ये वही अभी कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो कितना पैसा आप जुटाएंगे, क्या बजट है अभी? मोटा मोटा हम लोग सब जानना चाहते हैं, मतलब अंदर की बात। मिलियन से कम की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये आइडिया बहुत बड़ा है, आगे इसमें बहुत स्कोप है। ये सिर्फ अपॉइंटमेंट्स तक नहीं रहेगा, हम इसको आगे ले जा सकते हैं कि। तो इसमें दसियों लाख रुपए जुटेंगे कि करोड़ों जुटेंगे? दसियों लाख डॉलर की बात कर रहा हूँ। दसियों लाख डॉलर की बात, मतलब करोड़ों रुपए इसमें जरूर ये लगेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ एक राज्य का नहीं है, ये बहुत जगह पे है। और तो इसमें अगर हम बात करें, एक अगर नौजवान की बात करें, तो उसके पास क्या होना चाहिए? एक आइडिया होना चाहिए सिर्फ, या और भी कुछ होना चाहिए? आइडिया बहुत जरूरी है, आइडिया बहुत जरूरी है, और आप कन्विंस होने चाहिए कि उस आइडिया से आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। तो सिर्फ आइडिया होना ही जरूरी नहीं है, मतलब वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। बिजनेस और स्टार्टअप का ये मतलब नहीं है कि मैं कितने पैसे बनाऊंगा या कितने पैसे रेज करूंगा। पैसे रेज करना कोई बड़ी बात नहीं है, और पैसे जब रेज करते हैं तो आप डेट रेज करते हैं, आपकी कंपनी का शेयर कोई और ले लेता है। तो अगर आपको लगता है कि ये मेरा स्टार्टअप या मेरा जो उपक्रम है वो अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बशर्ते कि आप कितना रेज कर रहे हैं।